मोहब्बत रब से हो तो सुकून देती है इकबाल। मोहब्बत रब से हो तो सुकून देती है इकबाल। ना खौफ होगा जुदाई का, ना ख़तरा बेवफाई का। तो वीवर्स, मैं आज मौजूद हाँ जामिया मस्जिद अनवार मदीना दे विच। इशा की अजान आ चुकी है, नमाज़ पढ़नी है। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, अगर भी नमाज़ पढ़ी दी तो वीडियो नहीं बनाई दी, लेकिन आज मेरा दिल किया है कि जो मेरे वीवर मेरे सबसक्राइबर ने उन्हें तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि नमाज़ बड़ी ही ज़रूरी है, नमाज़ तो बगैर गुजारा ही कोई नहीं। वेखो ये रिजक, ये जो कुछ भी सानू अता किया हो, जो कुछ साढ़े को मौजूद है, ये रूहे ज़मीन है, ये अल्लाह ताला की देन है। तो सानू हर टाइम हर वक्त उस मालक का शुक्रिया अदा करना चाहिए है। ये तुसी वेखो नमाज़ किस सूरत भी माफ़ कोई नहीं, किस सूरत भी माफ़ कोई नहीं। अगर तुसी खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते तो सो के पढ़ो, अगर सो के नहीं पढ़ सकते तो इशारियां नाल पढ़ो। लिहाजा किस तरीके दे नाल भी नमाज़ माफ़ कोई नहीं। तो मेरा वीर, नमाज़ पर ज़रूर फोकस करो, नमाज़ कायम करो, नमाज़ ज़रूरी है। नमाज़ की माफ़ी नहीं, एक चीज़ की माफ़ी नहीं तो फिर वो तुसी दूर क्यों हो गए हैं। अल्लामा इकबाल ने इसे गलो कहा ना कि मोहब्बत रब से हो, सिर्फ मोहब्बत अल्लाह ताला नाल रखो। दुनियादारी तो हटा के अगर अल्लाह ताला नाल मोहब्बत रख दी जाए ना, अल्लाह ताला रिज़्क भी अता करता है, अल्लाह ताला हर चीज़ अता कर देता है। वेखो तुसी अगर नमाज़ पढ़ते हो ना, तो नमाज़ का पहला फायदा पता की है? अजकल असं आने भी साढ़े को टाइम कोई नहीं। नमाज़ का पहला फायदा ये है कि अल्लाह ताला साडे रिज़्क दे विच इजाफा कर देता है। नमाज़, हजूर पाक ने फरमाया, मेरी अखां दी ठंडक है। नमाज़ जन्नत दी कुंजी है। नमाज़ के बगैर कोई गुजारा कोई नहीं। वेखो कि असी कब्र दे विच अकेले जाना है, ये घर वाले साढ़े किसी भी नाल नहीं जाना। तो लिहाजा असी आधा आप लेके जाना है, आधे आप वास्ते सानू की चाहिए, सानू नेक अमाल चाहिए ने। नेक अमाल बड़े जरूरी ने, नेक अमाल की ने, ये नमाज़ कुरान बड़ी ज़रूरी है। लिहाजा ये नमाज़ कायम करो, नमाज़ नू ज़रूर अदा करो, हर हाल के अंदर अदा करो, पंजे वक्त की नमाज़ अदा करो। वेखो ना तुसी एक चीज़ नू ज़हन च रखो कि एक चीज़ की माफ़ी कोई नहीं। नमाज़ असा पढ़नी ही पढ़नी है, इनकी साढ़े को पुछ होनी है, और अल्लाह ताला ने असं की जवाब देवे। वेखो हर चीज़ वास्ते टाइम है, फजूल कमा वास्ते टाइम है, मोबाइल वास्ते टाइम है, वो टाइम छड़ दो, नमाज़ की तरफ फोकस करो। सिर्फ अठ दिन थोनू मुश्किल, अगर नमाज तुसी नहीं पढ़ देना, सिर्फ अठ दिन थोनू मुश्किल लगेगी। अठा दिनों तो बाद तुसी इन्ने को आदि हो जाओगे कि थोनू खुद सुकून ही नहीं आएगा। यार तुसी कहोगे कि नमाज़ तो बगैर तो जिहड़ी साडी जिंदगी अधूरी है। लिहाजा नमाज़ बड़ी ही ज़रूरी है, बड़ी ही ज़रूरी है। नमाज़ ज़रूर पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम।